प्रदेश के बालाघाट मंडला जिले की सीमा पर हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुधवार सुबह हुई मुठभेड़ में जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। एक महिला नक्सली अपनी राइफल छोड़कर भाग गई। यह मुठभेड़ बालाघाट मंडला और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र सुपखार मोती नाला के पास हुई। यह हॉक फोर्स जिला पुलिस बल एवं CRPF 148वीं बटालियन का संयुक्त ऑपरेशन था। जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया। एक और नक्सली को गोली लगी है, जिसकी सघन तलाश जारी है। बालाघाट जोन के IG संजय सिंह ने बताया कि जंगल में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इसमें GRPF ऑफ फोर्स मंडला व बालाघाट जिले का पुलिस बल शामिल है। नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर में दो नक्सली मारे गए हैं। एक DVC गणेश, जिसके पास AK-47 मिली है, दूसरे की अभी पहचान नहीं हो सकी है। उसके पास 315 बोर की राइफल मिली है। उन्होंने बताया कि यह कान्हा भोरम देव वाला क्षेत्र है, उसी के मेंबर थे। हालांकि अभी पता किया जा रहा है, तीन नक्सली देखे गए थे। एक महिला नक्सली भाग गई। आसपास और कितने नक्सली हो सकते हैं, यह कहा नहीं जा सकता। ऑपरेशन अभी जारी है। बालाघाट और मंडला जिले के पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद है। मंडला SP यशपाल सिंह राजपूत भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जंगल में अभी सर्चिंग कर रहे हैं। मोती नाला के नजदीक सुर्खी पार गांव में नक्सलियों के नक्सली सप्ताह मानने के लिए पर्चे फेंके थे। इसके बाद पुलिस हाई अलर्ट पर थी। बुधवार सुबह मंडला और बालाघाट के छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में पुलिस की इन नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस क्षेत्र की सघन जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के क्षेत्र में बाहर आने के बाद ही घटना की आधिकारिक जानकारी सामने आ पाएगी। ऑपरेशन जंगल में चल रहा है, जिसमें अपनी होक दोनों जिलों की फोर्स और CRPF लगी हुई है, और एक एनकाउंटर हुआ है, एक एक्सचेंज ऑफ फायर, जिसमें दो नक्सली मारे गए हैं। और एक नक्सली जिसमें DVC गणेश है, जिसके पास AK-47 मिली है। बाकी दूसरा जो मारा गया है, उसके पास 315 बोर राइफल मिली है, लेकिन उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई।